मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर अलर्ट पर है पुलिस, जहां ईडी हेडक्वार्टर के पास पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा जा रहा है। केजरीवाल की पेशी को लेकर प्रदर्शन किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी को लेकर राजधानी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस केस में सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में गिरफ्तार किया था, जो अभी तक जेल में है, जबकि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी इसी मामले पर जेल में बंद है। और आज पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। इसी मामले पर पहले जब सीबीआई ने पूछताछ की थी अरविंद केजरीवाल से, तो तकरीबन 9 घंटे तक पूछताछ चली थी, और अब जब सवाल जवाब करेगी, किन सवालों को खंगालने की कोशिश की जाएगी, आखिर ऐसी कौन सी लीड है जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी के पास है, और उसके आधार पर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है। इस मामले में कई कारोबारी अलग अलग स्टेट से कार्रवाई के दायरे में आ चुके हैं, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की जाएगी। देखिए, बहुत बड़ा पहलू ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, ऐसे में उन्हें जब पूछताछ के लिए जाना है, आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, और यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर आज पुलिस बंदोबस्त बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। ईडी ऑफिस के पास काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है, पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। और आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जिस पर टाइम्स नाम नवभारत एक एक जानकारी आपको सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। हमारी एक बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है जो हर एक जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आप तक पहुंचाएगी। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।